हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं वी वर्ल्ड बातें। आज हम जानेंगे जो अर्ली डिस्चार्ज होता है, जल्दी निकलने की जो समस्या होती है, शीघ्र पतन नहीं होता है, इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। जिसको भी ये समस्या होना, ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो डिस्चार्ज है ना, शीघ्र पतन की जो समस्या है ना, ये इसका मनोवैज्ञानिक कारण बहुत है, जो कि इसके जल्दी जल्दी निकलने का कारण बनता है। सबसे पहला है सेक्स का अनुभव कम होना। अगर आपको सेक्स का अनुभव कम है तो भी ये अर्ली डिस्चार्ज की समस्या सामने आ जाती है। सॉरी, थोड़ा शोर हो रहा होगा ना बाबू, गल्ला कर लीजिए। दूसरा है खुद में आत्मविश्वास की कमी। जैसे आपके में आत्मविश्वास ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर, या कोई आप कोई काम भी कर रहे हो ना, उसमें भी अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है तो ये काम भी सही से नहीं हो पाता है। तो ये भी वही है, ये तो दूसरा कारण हुआ। तीसरा हो गया पहले सेक्स से पहले अत्यधिक मतलब उत्साहित हो जाना, एकदम उत्तेजित हो जाना। अगर आप सेक्स से पहले ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो, तो ये अर्ली डिस्चार्ज की जो समस्या है ना वो बहुत होता है। और चौथा है नया नया रिश्ता हो, और नया नया रिश्ता हो तो आप किसी के साथ पास जाओगे तो ऑटोमेटिक ये है कि आप जल्दी उत्तेजित हो जाओगे और अर्ली डिस्चार्ज की जो समस्या वो हो जाएगी। पाँचवा है अपने पार्टनर के प्रति क्या होता है, आप सोचते हो ना, पहले से चिंतन करते हो, पता नहीं यार मैं अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये जो टेंशन होता है ना, इसके कारण भी जो अर्ली डिस्चार्ज की जो समस्या होती है ना वो हो जाती है। छठवां है अपने पार्टनर के प्रति आत्मीयता या फिर जो घनिष्ठता होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उसमें भी कमी होता है ना, तो ये अर्ली डिस्चार्ज की समस्या आ जाती है। सातवां है डिप्रेशन। अगर आप किसी बाहर किसी काम को लेकर बहुत टेंस हो और तनाव में हो तो ये इसमें भी आपका जो है ना अर्ली डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। और आठवां है आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हो, और हमेशा आपके माइंड में यही सब चलता है ना, मतलब सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन करते हो, सोचते हो, या फिर बहुत ज़्यादा इस टाइप की मूवी देखते हो या छोटे छोटे क्लिप देखते हो इस टाइप का, तो ये भी मतलब अर्ली डिस्चार्ज की इनका समस्या बन जाता है। और शीघ्र पतन के कुछ घरेलू उपाय हैं, जिसको भी ये समस्या होना, प्लीज़ हम जो उपाय बता रहे हैं उसको आप फॉलो करना, तो इससे जो आपका अर्ली डिस्चार्ज की जो समस्या है ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको कम से कम 2-3 महीने आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर ये आपका जो अर्ली डिस्चार्ज का जो समस्या है धीरे धीरे कम हो जाएगी। सबसे पहला है उड़द की दाल और चावल को मिक्स करके जो खिचड़ी बनता है ना, उस खिचड़ी को आप खाइए, सुबह या शाम कभी भी एक टाइम खाइए। अब जितना खा सकते हो ना बस उतना ही खाना, उसके बाद 1 गिलास मीठा दूध पी लेना। ये आपको 1 महीने तक करना है, तो आप ये 1 महीने तक करना, रिजल्ट जरूर मिलेगा। दूसरा है तरबूज। तरबूज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके खाइए, या फिर बड़े बड़े हिस्से में भी खा सकते हैं नमक डाल के, या फिर सलाद के तौर पर ले सकते हैं। इस पर आप नमक डाल लीजिए, अदरक का थोड़ा पाउडर डाल लीजिए, तो ये करके आप खा सकते हैं। तीसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए और मिश्री ले लीजिए, इन दोनों को मिक्स करके आप दूध के साथ लीजिए। कम से कम 2 महीने इसका यूज़ कीजिए, इससे भी आपका जो अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगा। हरा प्याज। चौथा है प्याज, हरा प्याज। हरा प्याज जो होता है ना, उसका जो बीज होता है उसको पीस कर आप पानी के साथ ले सकते हैं, तो इससे भी जो अर्ली डिस्चार्ज की जो समस्या है ना वो समाप्त हो जाएगा। और पांचवा है अदरक और शहद का पेस्ट बनाकर आप इसको चाट सकते हैं रात को, तो ये भी अच्छा है। तो आधा चम्मच लगभग अदरक का पेस्ट ले लीजिए, उसमें शहद मिक्स कर लीजिए, इसको रात को सोने समय आप चाट सकते हैं। और भिंडी, छठवां है भिंडी। भिंडी का भी आप पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी का पेस्ट बना लीजिए, मतलब पेस्ट बोल रहे हैं, भिंडी का पाउडर ले लीजिए, उसको 10 ग्राम पाउडर लगभग और 1 गिलास दूध में मिक्स करके आप इसको लीजिए सोने से पहले, तो ये भी आपका जो अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है ये समाप्त होगी इससे। और सातवां है लहसुन। लहसुन का आप यूज़ कर सकते हैं, कच्चा जो लहसुन होता है ना उसकी हर रोज़ 2-3-4 कलियाँ तोड़ के छिल के उसको खा लीजिए ऐसी कच्चा, वो भी। वहाँ है गाजर। आप गाजर का यूज़ कर सकते हैं, गाजर में ना लिबिडो को इम्प्रूव करने का गुड़ जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपका जो शीघ्र पतन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और कमेंट में ज़रूर बताया करो आपकी वीडियो कैसा लग रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं उन चीज़ों को आप समझ पा रहे हो या नहीं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल होता हो आप लोगों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, आईडी को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।